दिल्ली नगर निगम की नई पार्किंग प्रणाली को अपनाया जा रहा है। इससे लोगों की पार्किंग शुल्क चुकाना पड़ेगा। नगर निगम की योजना के तहत एक महीने में 22 पार्किंग में यह सुविधा शुरू हो जाएगी। निगम की कुछ सरफेस एवं मल्टी लेवल पार्किंग में यह सुविधाएं शुरू की जा रही हैं। फिलहाल दिल्ली की बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में केजरीवाल सरकार का नया MCD पार्किंग टैक्स चालू हो चुका है। वहीं एक नए पार्किंग पर शुल्क लगाए जाने पर भारतीय जनता पार्टी कहना है कि ये अरविंद केजरीवाल सरकार की लूट का नया तरीका है। वो ट्रैवलर चलाने वाला इंसान जो ऑलरेडी EMI भर रहा है 12-15 हज़ार रुपए की, अगर 6 हज़ार केजरीवाल को दे देगा तो घर कैसे चलाएगा? 9,900 रुपए, 10 हज़ार रुपए का पास आपने लगा दिया, अगर वो आपको देगा तो कमर्शियल व्हीकल का वो ड्राइवर जो बेचारा काम कर रहा है वो अपना घर कैसे चलाएगा? और कैसे सूझी आपको ये वसूली एक इंडस्ट्रियल बेल्ट में, जहां आज तक कोई पार्किंग चार्ज नहीं था, आपने कोई स्पेसिफिक पार्किंग नहीं बनाई है। ये एक तरीके की अवैध वसूली है, क्योंकि आपके शराब के ठेके अब बंद हो चुके हैं और आप शराब से वसूली नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि संजय सिंह जेल जा चुके हैं। तो एक और MCD के थ्रू एक और माफिया शुल्क आपने लगाया है, इसको तुरंत बंद करें अरविंद केजरीवाल जी। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा LG साहब से भी, इस पर तुरंत संज्ञान लें। ये एक तरीके की अवैध वसूली है जो गरीबों की जेब से काटी जाएगी और केजरीवाल की जेब में जाएगी। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।